ओम शांति। किताब का नाम है ड्रामा। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जिनकी अनेक विशेषताएं हैं। अनादि अविनाशी है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, जूमिसल चलता है, एक्यूरेट है, राजन से भरा हुआ है, परिवर्तनशील है, विचित्र है, बना बनाया है, हूबहू हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। मीठे मीठे बच्चे, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तुम एक बाप से सुनो, फालतू बातों से किनारा कर लो। तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि इस अनादि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। इस ड्रामा की हर सीन तुम बच्चों को बहुत ही पसंद आनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रामा स्वयं रचयिता बाप को बहुत पसंद है। यह दुख सुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। इसमें हर एक्टर अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए ड्रामा की हर सीन देखकर सदा हर्षित रहो। तुम इस कल्याणकारी ड्रामा में किसी को भी दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि जो कुछ पास्ट हो चुका है वही होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यह ड्रामा की बहुत सुंदर भावी बनी हुई है। जो बच्चे साक्षी दृष्टा बनकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति मधु समान मीठी बन जाती है। वे सदा एक रस अचल अडोल रहते हैं। ये महावाक्य साकारवाणी 18 जनवरी 1995 से है। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले, जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। ये महावाक्य 15 अप्रैल 1981 से है। स्मृति। ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाती है। ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अगर स्मृति में रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। ड्रामा के ज्ञान को समझने से होने वाले फायदे अव्यक्त वाणियों में से। एक, स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। दो, बिंदी लगाते जाओ
तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। 3. क्वेश्चन मार्क अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। 4. जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। 5. बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। 7. बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। 8. फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संगमयुग है ही अच्छे ते अच्छा, हर सेकंड अच्छे ते अच्छा, इससे सदा सहजयोगी जीवन का अनुभव करेंगे। 9. कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहली, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है। दूसरी, खुशी मिलती है बाप द्वारा। तीसरी, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उनके द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे, पाया ना। 10. आपकी कमाई का जमा खाता बढ़ाने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना, तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, एक क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, किसी की आवश्यकता नहीं है। 11. जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा, बाप भी डॉट अर्थात बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं तो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना। 12. बिंदी लगाई कमाई हुई, आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी है। 13. 3 बिंदियों को सदा यूज करो, क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है लिख कर देखो, टेढ़ा है ना, और बिंदी कितनी सहज है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों के समान बनने की विधि सुनाते रहते हैं, विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना, अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। 14.
जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। 15. बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। 16. जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पार्ट देखते हो, उन पार्टधारियों का इस बेहद के खेल में यह पार्ट अर्थात खेल नूंदा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था होनी डगमग नहीं होगी, सदैव एकरस अवस्था रहेगी। 17. खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एकरस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। 18. सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे, मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। 19. वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, सदा इसी स्मृति में रह हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। 20. वाह ड्रामा वाह, याद रहे तो सदा खुश रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। 21. वाह मीठा ड्रामा वाह, हर एक पाठधारी का पार्ट, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता, इसको कहा जाता है 1. तकदीरवान। 22. वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। 23. पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। 24. क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। 25. विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। 26. जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। 27. जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है, ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। 28. वेलकम करो, आओ ये गिफ्ट है, ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है
इसमें क्या ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हेमर लगना। हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। 29 महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे। जो भावी बनी हुई होगी इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा जो कर्म होगा वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। 30 जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है वह राजी रहेगा ना। 31 सदा साक्षी हो देखेंगे वह कभी भी हार और जीत के दृश्य देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एकरस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एकरस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। 32 सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पार्ट बजाओ तो कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होंगे लेकिन न्यारे और प्यारे रहेंगे। 34 साक्षीपन की सीट है जिस पर बैठकर ड्रामा को देखो तो बहुत मजा आएगा। वाह ड्रामा वाह का गीत गाते रहेंगे। अगर कोई बीमार भी है बिस्तर पर भी है तो भी सेवा कर सकते हैं। 35 साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है, एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पाठधारी बनाती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। 36 क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल रहेगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। 37 जो स्वस्थिति में स्थित रहता वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। 38 बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूहरहान करते हो ना तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। 39 एक शब्द ड्रामा याद आ जाता तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। उसमें कुछ दिन या मास लग जाते हैं और इसमें एक सेकेंड लगता है। 40 तीनों कालों को जानते हो? पहला क्यों हुआ? जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा क्या हुआ? नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। तीसरा कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। 41 कर्मातीत आत्मा तो सोचेगी कि जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। 42 समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिकर बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 43 प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। 44 प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से
चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। 45. संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मने अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। 46. पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पहला, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। दूसरा, पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। तीसरा, पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं कराती है। चौथा, पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पांचवा, पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिकर बादशाह है। छठा, पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प हर समय की हलचल को हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। सातवां, पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। आठवां, ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। 47. और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना बाप का सुनना अर्थात उड़ना। 48. सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। 49. त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। 50. तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। 51. संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहजयोगी बनो। 52. यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही है विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। 53. जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा, तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। 54. फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। 55. जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है, ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल है। 56. अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। 57.
जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। 58, अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय, क्या हुआ? 59, तूफान को तोहफा समझा व अनुभव किया तो उसी से उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी, यह है चढ़ती कला की निशानी। 60, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है, अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। ड्रामा के ज्ञान को न समझने से होने वाले नुकसान अव्यक्त वाणियों में से 1, ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है, अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट, इसलिए वह हुआ पानी का मंथन। 2, जब यह साक्षी दृष्टा की अवस्था नहीं होती है तब यह सभी बातें विस्मृति में आती है। 3, अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होंगी। 4, क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा, पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना। 5, किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। 6, क्यों शब्द को समाप्त करो, क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। 7, जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। 8, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो, ऐसे व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। 9, यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित कहा जाता है और प्रश्नचित कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। 10, उदास कौन होता है, जो माया का दास बनता है, क्या करे, कैसे करे, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। 11, जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए, कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है, क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा, क्यों, क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। 12, क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्प की क्यों लग जाती है। 13, क्यों आना माना चिंता की लहर है। 14, पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों इसको समाप्त करो। 15, बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो,
बातों में जाने से फिर एक कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें है वृक्ष और बाप है बीज। दो, आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाने चाहते हो, इसलिए न बाप हाथ में आता है न वृक्ष। तीन, बाप को भी किनारे कर देते हो। और चार, वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो, तो जो चाहना रखते हो वह न पूरी होने के कारण पांच, दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त को छह, कोई छोटा कार्य भी मुश्किल लगता है। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी सात, बार बार किसी न किसी की, चाहे परिस्थिति की चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। और आठ, जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आपे ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। नौ, जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते, या होगी बातें या होगा बाप। सोलह, बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है, वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाए। सत्रह, बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। अठारह, बच्चों में तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह तीन शब्द है, एक व्हाई मतलब क्यों, दो व्हाट मतलब क्या, तीन वांट मतलब चाहिए। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह तीन शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। 19, ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। 20, बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से चाहे सेवा से चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। 21, बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है, बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 22, स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने देखने बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। 23, बिंदी लगाने से एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो व लग जाती है तो सोचो, एक ज्ञान का खजाना गया, दूसरा शक्तियों का खजाना गया, तीसरा
गुणों का खजाना गया, चौथा संकल्प का खजाना गया, पांचवा एनर्जी गई, छठा श्वास सफल के बजाय असफल में गया, सात समय गया, 24 वाई वाई हाय हाय करा देता है, 25 अच्छा आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है, अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो छुट्टी है, अगर फायदा नहीं है परेशानी होती है वह बात सामने आएगी, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। ड्रामा के ज्ञान को धारण करने की मुख्य पॉइंट्स अव्यक्त वाणियों में से, एक मन मनाभव का अर्थ बहुत गुह्य है, मन बिल्कुल जैसे ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से वा चाहे वाणी से। दो, ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, अर्थात खेल तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या। तीन, हलचल के अंदर रत्न समाये हुए है, ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। चार, हर कदम में कल्याण है, जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। पांच, जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, वर्तमान न भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। छह, हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वा ड्रामानुसार समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बातों का बाहर का रूप नुकसान का भी होगा, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। सात, जो हुआ वह अच्छा और जो होना है वो और अच्छा, अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, ऐसे अच्छाई उठाने से ही नंबर मिलते हैं। आठ, ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए, तो ड्रामा की बात को परखने की बुद्धि चाहिए, निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है। नौ, अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो, अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है। दस, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे, न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही पेपर है और है भी एक सेकंड का ही पेपर। 11, एक सेकंड का पेपर आना है, एक सेकंड में पास हो जाए इसका अभ्यास चाहिए। 12, कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला है, क्योंकि दुनिया के लिए
हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप तो जानते हो कि ये दुनिया हाहाकार होने वाली है, अर्थात जाने वाली है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयार हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार के खेल देखो, कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। 13, यह रिहर्सल हो रही है, फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर न चाहते भी सबके मन से प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे, तो रिहर्सल से पार हो गए, बेफिकर बादशाह बन पार्ट बजाया, बहुत अच्छा किया, सोच से तो असोच है ही। 14, दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी, तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। 15, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ऐसा अभ्यास आगे चलकर आपके बहुत काम में आएगा, क्योंकि आपका फाइनल पेपर नाजुक समय पर ही होना है, आराम के समय पर नहीं। 16, आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। ऐसे समय पर कौन सा आधार चाहिए? एक ही, बाप का आधार। आखिर में यही आधार काम में आना है। 17, अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। 18, आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होंगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिकर बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू, होना ही है, हो रहा है और हम बेफिकर बादशाह। 19, अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। 20, अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। 21, अगर आप फास्ट गति चाहते हो, तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभकामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। 22, 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास, तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। 23, जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। 24, बिंदुरूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती,
25 आप और बाबा, ये दो शब्द में ज्ञान और योग आ जाता है, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। 26 सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो, बस। 27 पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। 28 संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। 29 बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ, बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस यह है पुरुषार्थ। 30 और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। 31 समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। 32 साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले, जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। 33 ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। 34 बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। 35 अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। 36 पहले भी सुनाया था, संगमयुगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा वह श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करना, जबकि बुरे दिन अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है। 37 एक गया लाख पाया, ये है ब्राह्मणों का स्लोगन। 38 अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। 39 ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। 40 ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे, जो होना है वह हो रहा है। 41 ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। 42 सदा खुशी में नाचने वाले हैं, हलचल का समय समाप्त हो गया, पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। 43 ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं, क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है, बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में होता ही है, सेकंड की बात है। 44 मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। 45 कुछ भी हो लेकिन अंदर से सदा ये आवाज़ निकले
वाह मीठा ड्रामा वाह, कितना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बात है तो वाह ड्रामा, और हलचल की बात है तो हाय हाय। 46, जो हुआ वाह वाह, इसमें भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा, इसलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय जल गया ऐसा नहीं कहेंगे, बचने के समय जैसे वाह 50 वाह कहते हैं, तो ऐसे जलने के समय भी वाह वाह, इसी को ही एकर स्थिति कहा जाता है। 47, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में, समय होता तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। 48, योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या, वाह बाबा वाह, और वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। 49, वाय आए तो भी एक शब्द बोलो वाह, वाट शब्द आए तो भी बोलो वाह, वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा वाह मैं और वाह ड्रामा, सिर्फ वाह बोलो तो यह तीन शब्द खत्म हो जाएंगे। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे, वाह वाह, जो सामने देखा जो सुना जो बोला सब वाह वाह, हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। 50, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए, पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह, अगर श्वास चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना, तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। 51, उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, उमंग उत्साह कम क्यों होता है, बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाय वाय, अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। 52, तकदीर की तस्वीर देखो, और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, नहीं वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा, ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। 53, अब ऐसे एवरेडी बनो जो हर संकल्प हर सेकंड हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाय नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाय हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। 54, जब वाय आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो, कोई भी कुछ करता है कहता है वाह ड्रामा वाह, यह क्यों करता है यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूं नहीं। 55, समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है
वह कल्याणकारी है। 56, कुछ भी होता है होने दो, बाप हमारा हम बाप के तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। 57, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। 58, ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके, नहीं तो अलबेले हो जाए, इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। 59, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा, तो सदा शुभचिंतक, सदा चिंताओं से परे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। 60, बाप ने अपने समान बना दिया, बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी, बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो, इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह रे मैं पुण्य आत्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति, इसी स्मृति में सदा रहो। 61, ड्रामा का विचित्र पार्ट है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, हलचल का पेपर अचानक होता है, यह भी हरेक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। 62, क्या हो गया वा जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। 63, यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। 64, बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। 65, बेफिकर बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। 66, बेफिकर बादशाह ही बाप समान है, बाप को फिक्र है क्या, इतना परिवार होते भी फिक्र है क्या, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिकर। 67, सबका एक जैसा पार्ट तो हो नहीं सकता, वैरायटी चाहिए, सर्व का पिता है तो कुमार भी चाहिए, कुमारिया भी चाहिए, अधर कुमार अधर कुमारिया भी चाहिए, सर्व सैंपल चाहिए। 68, हर एक के पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की विशेषता अलग और महान है, एक दो के पार्ट को देखकर खुश रहो, अपने पार्ट को कम नहीं समझो, सबका पार्ट अच्छे ते अच्छा है। 69, बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है, निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। 70, जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है, चाहे 5 पांडव दिखाते हैं लेकिन विजय क्यों हुई, भगवान साथ है। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती, यह कल्प कल्प की नोंद निश्चित है। 71, योग विधि है, लेकिन इस विधि से
सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। 72, जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। 73, माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, जब करण करावन हार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन है, नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मना, यह सेवा भी एक खेल है। 74, जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है। तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। 75, कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाव हिलाना नहीं, अचल रहना। 76, जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। 77, चाहे प्रकृति हलचल करे चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती है। 78, बीती को बीती करना माना होली जलाना। 79, पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है। 80, हमें राजधानी में आना है यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। 81, प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते, यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। 82, जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना
रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। 83. इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा, बना हुआ है सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनना है। 84. बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता, रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। 85. जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ, ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था हो रहा है और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। 86. पहले स्मृति निश्चय की होती है, संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। 87. यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना। 88. निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप आ जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ एक बाप में निश्चय नहीं लेकिन दो अपने आप में निश्चय, तीन ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, चार ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय, तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। 89. जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। 90. क्या क्यों कैसे, ये चिंता की लहर है, अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी, होना नहीं चाहिए था हो गया, ऐसा वैसा क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। 91. निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। 92. कितना भी कोई भी हो लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेंगे, अच्छे है, या कहेंगी कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। 93. बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना, इसी अभ्यास वाले ही पासविद ऑनर होंगे, ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। 94. हिसाब किताब का टाइम बनता है तो कोई न कोई कारण से बन ही जाता है, भावी को नहीं टाल सकते, मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा माँ के महावाक्य, ड्रामा मेरा मालिक है और बाबा मेरा साथी है। ओम शांति।